हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एसईओ के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ, जिसमें आज अपन कवर करेंगे ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में कैसे आप बैकलिंक्स बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स जहाँ से बना रहे हैं वहाँ से आप कैसे बैकलिंक्स बना सकते हैं, प्लस आप ऑन पेज एसईओ कैसे अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है loanmafia.com, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इजीली प्लगइन्स के थ्रू हेल्प से इजीली 100-90% आप अपना एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा वेबसाइट पे, ऑन पेज एसईओ, फिर देखेंगे एचरफ पे अपने कॉम्पिटिटर्स को और फिर वहाँ से देखेंगे कि कैसे वो सब बैकलिंक्स बना रहे, फिर जो वो वहाँ जहाँ से बना रहे वहाँ से अपन भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर पब्लिश्ड में मैं जाता हूँ, यहाँ पर 39 पोस्ट पब्लिश है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा इसका इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर जो पोस्ट है, जैसे इस आर्टिकल का इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस इन हिंदी A to Z जानकारी, तो यहाँ पर इसका स्कोर 90 है। तो आप कैसे इसका स्कोर कर पाएंगे या फिर कौन से ये जो प्लगइन हम यूज़ कर रहे हैं वो रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसको यूज़ करिए और इसमें अभी हम प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं, फ्री वाले वर्जन में आप अप टू 5 कीवर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एडिट इन न्यू टैब करता हूँ और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। न्यूज़पेपर इसमें थीम इंस्टॉल्ड है और काफ़ी अच्छी इसका इंटरफेस हमने इसका बना रखा है और आने वाले टाइम में और इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैंने हमने पूरा आर्टिकल लिखा है, ये प्लगइन है रैंक में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये 1600 वर्ड्स का पूरा ये आर्टिकल लिखा है और हमने इसका फोकस कीवर्ड रखा है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। ठीक है, ये आर्टिकल पूरा हिंदी में लिखा है तो इसका कीवर्ड ये रखा है और कीवर्ड की हेल्प से आप इसका पूरा ऑन पेज एसईओ यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च आप कहाँ से करेंगे, आप गूगल से कर सकते हैं, एचरेफ से कर सकते हैं, एचरेफ पेड टूल है और इसका फ्री आप ले सकते हैं ahrefs.com। कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आप जाइए कि एचरेफ पे, यहाँ पर फ्री टूल्स में आपको कीवर्ड कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना कंट्री चूज करें, टारगेट कंट्री इंडिया। और जस्ट मैं कॉपी करके लाता हूँ इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। ओके, आई एम नॉट रोबोट। तो यहाँ पर इसका कंपटीशन जैसे जीरो है, बिजनेस प्लान PPT और बिजनेस कार्ड है, बिजनेस हाउ टू स्टार्ट इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस 150। तो आप ट्रैफिक जिसका ज़्यादा हो वो चूज़ करें और ये डेटा भी फ्रेश डेटा है जिस पे कंपटीशन बहुत कम है, मींस इस पे आप लिख सकते हो। इस पे हाई CPC आपको ये कीवर्ड है, इस पे आप कम ट्रैफिक लेके आएंगे तो भी आपको इस पे अच्छी अर्निंग होने वाली है। ठीक है, तो आप फ्रेज मैचिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और हर बार आपको ये रोबोट वाला चीज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो ऊबर सजेस्ट हमने जो एक प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है उसकी हेल्प से भी यहाँ पर इसका एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं। ठीक है, और कौन सी वेबसाइट इस पर अभी ऑलरेडी लिख चुकी है और इस पर एस्टिमेटेड विजिट्स कितने आते हैं ये सब आप यहाँ से गूगल से देख सकते हैं। यहाँ पर ऑटो सजेशन भी है और यहाँ पर जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ आप उनकी लिस्ट लिख सकते हैं, उस लिस्ट पे आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लो कंपटीशन कीवर्ड लिया है क्योंकि हमारी एक न्यू वेबसाइट है, बहुत फ्रेश न्यू वेबसाइट है, तो हमको लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे लिखना था, इसलिए हमने इस कीवर्ड को चूज़ किया और इस पर पूरा हिंदी ऑडियंस मीन्स इंडियन ऑडियंस के लिए पूरा इस पर आर्टिकल लिखा है। तो जस्ट फोकस कीवर्ड आपको यहाँ डालना है और हमारा प्रो वर्जन है इसलिए हम अप टू 5 से ज़्यादा कीवर्ड इसमें अपन डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप बेसिक एसईओ, यहाँ पर 4 कॉलम्स देखेंगे, बेसिक एसईओ, एडिशनल, टाइम रीडेबिलिटी या फिर कंटेंट रीडेबिलिटी। ठीक है, बेसिक एसईओ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना रहेगा, एक तो कीवर्ड हेडिंग में आना चाहिए, एक स्टार्टिंग के अंदर आना चाहिए, एक आपका
H2 हेडिंग या फिर H3 हेडिंग के अंदर रहना चाहिए। H1 हेडिंग ये है तो ये ऑटोमेटिक आपका टाइटल यहाँ से ले लेगा, ठीक है, और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप अपना कीवर्ड यहाँ रखें, कंटेंट के स्टार्टिंग में रखें और एक हेडिंग में रखें, फिर आप एडिट स्निपेट में जाएं और अपना परमा लिंक है उसके अंदर भी एक कीवर्ड रखें। और देखो हमारा कीवर्ड इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस है, लेकिन हमने इन हिंदी भी लिखा है क्योंकि इन हिंदी पे भी हम रैंक करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा आर्टिकल हमने हिंदी में लिखा है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको टॉप 5 इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस इन हिंदी, ठीक है। तो टॉप एक पॉजिटिव कीवर्ड है और 5 एक नंबर है, तो आप यह एंटर करेंगे तो आपका स्कोर और इम्प्रूव हो जाएगा, मीन्स हेडिंग बहुत अच्छी बनेगी। और A to Z जानकारी का पूरा हमने इसमें मेंशन किया है ताकि कोई भी इस रीडर हेडिंग को देख के ही पूरा आर्टिकल में आए पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि A to Z जानकारी उसको मिल रही है तो वो इवेंट मैनेजमेंट की पूरी A to Z जानकारी के लिए इस आर्टिकल पर ज़रूर आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपना एक फोकस कीवर्ड ज़रूर रखें। अगर स्टार्टिंग में आप यहाँ मेंशन करेंगे तो ये प्लगइन ऑटोमेटिक स्टार्टिंग का जो भी पैराग्राफ है उसको डिस्क्रिप्शन में ले लेगा, ठीक है। तो दो फायदे हैं, एक तो यहाँ पर कीवर्ड डालने का ऑटोमेटिक आपका डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया और स्टार्टिंग कंटेंट में भी आपका कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो बेसिक SEO तो यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक तो URL के अंदर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं, इससे मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, यहाँ पर कीवर्ड होना चाहिए, एक मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, URL हो गया और फोकस की SEO टाइटल ये रहा है SEO टाइटल, और ये ऑटोमेटिक इसमें चला जाता है, ठीक है। और इसको अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट के अंदर अवेलेबल ही है जो कि H2 हेडिंग में अंदर अपन ने कीवर्ड रखा है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं डालना है अपन को, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पर आप कीवर्ड डालें, ठीक है। फोकस क्यू फाउंड, ठीक है, कंटेंट ग्रेट है, अप टू 600 होगा तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। बेसिक SEO ऑल गुड है। एडिशनल में चलें तो फोकस क्यू और फाउंड हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में डाल रखा है। ऑल्ट इमेज, इमेज इसमें जो हमने फीचर्ड इमेज यूज़ करी उसके अंदर हमने ऑल्ट टेक्स्ट डाल दिया है। अगर शायद हाँ, जैसे ये PPT बना के हमने इसमें और एड ऑन किया है ताकि यूज़र्स को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। URL 58 कैरेक्टर से लेस है तो ये ग्रीन है। कीवर्ड डेंसिटी 1.97, तो कीवर्ड डेंसिटी हमने भी इसमें अच्छी रखी है, ठीक है। और लिंकिंग टू एक्सटर्नल, इससे किसी अच्छी वैलिड ऑथराइज्ड वेबसाइट को हम, जो कि दूसरी ऑथराइज्ड वेबसाइट है उसको हम लिंक दे रहे हैं हमारी वेबसाइट से, ठीक है। हर किसी को नहीं देना है, ओनली ऑथराइज्ड या तो गवर्नमेंट वेबसाइट या विकिपीडिया या फिर ऑथराइज वेबसाइट जो कि अपने कंटेंट से रिलेट कर रही है उनको देना, या फिर ऐसा भी ना करें कि इसी कीवर्ड को आप लिंक बना के अदर वेबसाइट को लिंक दे दे। ऐसा करने से आपका लिंक जूस जिस पे आप लिख रहे हैं उसी पे आप उसको बैकलिंक देंगे तो आपकी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो ऐसा इसमें वर्ड चूज़ करें जो कि रेलेवेंट हो अदर वेबसाइट से और कॉन्टेंट भी जस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर हो और उसको आप लिंक दे सकें, ठीक है। और एक इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल आप ही के किसी दूसरे आर्टिकल को यहाँ पर लिंक कर सके, तो ये आपका एडिशनल SEO भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइम रिडेबिलिटी के लिए आपको ये फोकस कीवर्ड यूज इन द बिगनिंग ऑफ द टाइटल, ठीक है, सबके सबसे बिगनिंग में, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस सबसे बिगनिंग में है। योर टाइटल एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट मीन्स टॉप अपन ने यूज़ किया है तो मीन्स पॉजिटिव वर्ड है ये, ठीक है। नंबर इन SEO टाइटल मीन्स टॉप 5, आपको कुछ ना कुछ नंबर यूज़ करना है, 2021, 2022 या फिर XYZ टॉप 10, टॉप 5 कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। योर टाइटल डजन करने ना पावर वर्ड के बारे में और जानना चाहते हैं आप तो इस पर क्लिक करके आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फ्री प्लगइन है, फ्री प्लगइन भी बहुत अच्छा है इसका, आप इसको यूज़ करें, जस्ट सिंपल प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करें, बेसिक्स ये सारी जस्ट रीड एंड इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। कंटेंट रीडेबिलिटी इज़ वेरी गुड, कंटेंट कंटेंस इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है। हमने PPTs डाली और इसमें प्रेजेंटेशन डाली है और इसमें इमेजेस और इसकी एक वीडियो जो अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। और रेलेवेंट सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कंटेंट, बहुत शानदार लिखे हैं इसके अंदर और हमने कुछ इसको बहुत अच्छे से मेंशन किया है। हमारे पास कुछ प्रीमियम प्लगइन्स हैं, उनकी हेल्प से हमने इसको बहुत अच्छा सुंदर भी बनाने की कोशिश की है, ठीक है।
और FAQs डालना ना भूले। FAQs आपको रैंकिंग में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिच स्निपेट में आने के लिए। और इसके अलावा आप जाएं स्कीमा, स्कीमा के अंदर आर्टिकल स्कीमा, यहाँ से हेडलाइन इसके अंदर डालें और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर डालें, कीवर्ड्स इसमें डालें, और स्पीकेबल नहीं है, ब्लॉग पोस्ट है और सेव, ठीक है। आप स्कीमा, डिफरेंट टाइप की स्कीमाज आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी इस आर्टिकल में वीडियो ऐड करते हैं तो स्कीमा का वीडियो भी यहाँ पर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसकी सारी चीज़ फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कोर्स, आप कोर्स के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो कोर्स का स्कीमा लगा सकते हैं। FAQ, हाउ टू वाला कुछ आप टॉपिक लिख रहे हैं तो हाउ टू वाला आप स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग, मूवी, म्यूजिक, पर्सन, प्रोडक्ट हो गया, रेसिपी हो गई, रेस्टोरेंट, सर्विस, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ठीक है। तो ये सारे स्कीमा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा बेसिक SEO। और इसके अलावा चलते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में सिंपल आप एक काम करें, आप HRF का यूज़ करें और अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करें। तो जस्ट ये न्यू वेबसाइट है, फिर भी अपन इसको डाल के देखते हैं HRF में। तो डोमेन ऑथोरिटी ओनली 4 है, DR 1.1, रेफरिंग डोमेन्स 5 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 3, कीवर्ड्स ट्रैफिक 3 है। तो इसके ऑर्गेनिक कंपीटिंग डोमेन्स, ठीक है, तो उनको देखेंगे वो कहाँ से बैकलिंक्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से भी अपन बैकलिंक्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो कीवर्ड्स यूनिक टू कॉम्पिटिटर, एंजल ब्रोकिंग नो, बैंक बाजार, इन्वेस्ट करें, तो देखते हैं इन्वेस्ट करें कैसी क्या वेबसाइट है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं इन्वेस्ट करें का क्या है। ओवरव्यू में चलते हैं और डालते हैं इन्वेस्ट करें, फिर देखेंगे इन्होंने जहाँ से भी बैकलिंक्स बना रखे हैं, डू फॉलो, फॉलो, तो इनकी भी ऑथोरिटी बहुत कम है, लेकिन ट्रैफिक हाई CPC वाला इन्होंने पूरा वो लिया है टॉपिक, तो अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। 13,000 मीन्स इन्होंने, इनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है इन टॉपिक्स के थ्रू, ठीक है। तो रेफरिंग डोमेन्स 240 है, तो क्लिक करेंगे 240, बैकलिंक्स कहाँ से इन्होंने लिए हैं वहीं से अपन भी लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डोमेन रेटिंग 6.5, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट वाली आपको बैकलिंक्स वगैरह शो कर देगा। बैकलिंक बहुत ज़रूरी है, बैकलिंक्स के वगैरह अपनी वेबसाइट रैंक होने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। और ऑथराइज्ड बैकलिंक्स आपको लेने हैं, ठीक है। सिंपली क्लिक ऑन बैकलिंक्स, यहाँ से अपन और डिटेल में देखेंगे कि किस दिन क्या मिले और लास्ट 7 डेज, लास्ट 3 मंथ्स वगैरह वगैरह, या फिर और उनको स्पेसिफाई बैकलिंक टाइप अपन यहाँ से लेंगे, नो फॉलो, डू फॉलो एंड फिर यहाँ से लेंगे ऑल बैकलिंक्स, न्यू सेल चलेंगे और सारे बैकलिंक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट डोमेन रेटिंग वाला जो डोमेन है वो देखते हैं, 80 डोमेन अथॉरिटी से इनको डोमेन मिला है, लिंक लॉस्ट, लिंक रिमूव्ड, तो इन्वेस्ट करे को यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। आप इन वेबसाइट्स पे जाके फ्री ग्लोबल फील्ड एक्सेस, इन वेबसाइट्स पे जा जाके आप अपनी वेबसाइट के लिए भी बैकलिंक्स क्रिएट करें। बैकलिंक्स जैसे ही क्रिएट करें गूगल को सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट भी है यह इंटरनेट पे, और उसको जो भी आपने आर्टिकल्स लिखे वो जल्दी इंडेक्स होंगे, उनकी ऑथोरिटी बढ़ेगी और आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे गूगल आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑन पेज SEO का पूरा, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें ताकि आप इजीली इसको समझें, और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप इसमें सारी चीज़ें देखें, पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसका डिटेल वीडियो मैं आने वाली वीडियोस में आपके लिए लेके आऊँगा, तो अभी तो मैं जस्ट इसका ब्रीफ ही लेके आया हूँ आपके सामने। तो ऑन पेज SEO ऐसे करें,
और ऑफ पेज के लिए बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी है। तो बैकलिंक्स के लिए आपके लिए मैंने बता दिया, एचरेफ में अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करें और उनके बैकलिंक्स को देखें कि वो कहाँ से बना रहे हैं, वहीं से आप बनाना स्टार्ट कर दें। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन, आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई भी इशू आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो SEO ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्री होने के लिए या एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।